लगातार पल पल की अपडेट्स फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और वहीं की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। अगर खास तौर पर हम नौखा सीट की बात करें तो यहां से रामेश्वर डूडी चुनाव हार गए हैं और आपको बता दें कि बिहारी लाल बिश्नोई यहां से उनके सामने मैदान में थे जिन्होंने जीत दर्ज की है, तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस को यहां से एक बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने ये सीट अपने नाम कर ली है। बिहारी लाल बिश्नोई जो है यहां से चुनाव जीत गए हैं और एक कह सकते हैं कि सीट बचा ली है बीजेपी ने यहां से। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने बिहारी लाल बिश्नोई से खास बातचीत की, आइए आपको। बीकानेर में प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी को पटकनी देने वाले भाजपा के प्रत्याशी और अब नोखा से विधायक बिहारी बिश्नोई हमारे साथ हैं। बिहारी जी सब पर भारी पड़े आप तो? ये तो जनता भारी है, बिहारी क्या मायने रखता है। ये तो नोखा की 36 विधायक जनता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत है, उनका आशीर्वाद है और जनता सब पे ही भारी पड़ती है, ये हमने देखा है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है नोखा में कि एक मुख्यमंत्री के दावेदार है, इस तरह की बातें थी, तो ऐसे में किन मुद्दों और किस वजह के चलते आपकी जीत हुई? नोखा की जनता ने जो मुख्यमंत्री के दावेदार बने बैठे थे हमारे बड़े भाई माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को 5 मौके 25 वर्ष दिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हाउस में हो चाहे सड़क पे हो जनता के हितों के लिए नगण्य रही और जनता जिस तरह की राजनीति उन्होंने 25 सालों में की है नोखा की जनता उस राजनीति को पसंद नहीं करती। बिहारी जी बड़ा चुनाव आपने जीता एक तरह से कहिएगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार आपके नहीं आ रही आपके लिए कम से कम, तो कैसे देखेंगे किस तरह से जनता की जो बहुत आकांक्षाएं हैं? संघर्ष करने वालों के लिए सरकार की चिंता नहीं किया करते, हम संघर्ष करके जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो संघर्ष करने वाले परिणाम की चिंता नहीं किया करते और वाकई कमाल का संघर्ष बिहारी बिश्नोई ने किया है, प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी को चुनाव हराया है। बिहारी लाल बिश्नोई भाजपा से नोखा से विधायक चुने गए हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।